उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदनगरी डिस्ट्रिक्ट पार्क में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस खेल महोत्सव के चौथे दिन नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के उपायुक्त संजय सेन खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पहुंचे और उन्होंने खिलाड़ियों के साथ मैच भी खेला, साथ ही जीती हुई टीम के कैप्टनों को और उनके खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से डीसीपी संजय सेन खिलाड़ियों के साथ मैच भी खेल रहे हैं और उनको मेडल पहनाकर सम्मान भी कर रहे हैं। डीसीपी संजय सेन का कहना था कि सांसद मनोज तिवारी द्वारा चलाए गए सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि युवा नशे की लत से दूर रहें और वो खेलों की तरफ आकर्षित हों ताकि क्षेत्र का नाम और आगे चलकर देश का नाम रोशन हो सके। डीसीपी संजय सेन ने सांसद मनोज तिवारी का शुक्रिया भी अदा किया। उन्होंने कहा कि नंदनगरी के इस डिस्ट्रिक्ट पार्क में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता था और समय समय पर वारदातों की कॉल भी आती थी। अब सांसद मनोज तिवारी ने खेल महोत्सव कर इस पार्क को अच्छी तरीके से युवाओं के लिए एक ऐसा स्थान बनाया है जहां से युवा अपना कैरियर भी शुरू कर सकते हैं। सांसद मनोज तिवारी का कहना था कि युवाओं की नशे की लत दूर करने के उद्देश्य से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहना था सांसद मनोज तिवारी और डीसीपी संजय सेन का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए, इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसको सार्थक करते हुए जो माननीय सांसद जी ने सांसद खेल महोत्सव को ज़मीनी हकीकत के तौर पर बदला है वो बहुत ही काबिले तारीफ़ रहा। और ख़ास तौर से आज नंदनगरी जैसे प्रांगण में जहाँ पर अधिकतर हमें शिकायतें कोई ड्रग्स की, लड़ाई झगड़े की, इन सब की शिकायतें जिस पार्क में आती रही हों या आसपास के एरिया में ऐसे इशू एड्रेस करते रहे हों, ऐसे में इतना जोशीला एनवायरनमेंट बना हुआ हो जहाँ पर सकारात्मक तरीके से सब लोग इस ऊर्जा को चैनलाइज किया जा रहा हो, तो पुलिस प्रशासन के तौर पर इससे बढ़िया खुशी नहीं हो सकती। और इस रूप में हम माननीय सांसद जी को और उनकी टीम को बहुत ही बधाई देते हैं और जनता से भी हमने आज यही अपेक्षा रखी है कि इन सब मौक़ों को बहुत अच्छे तरीके से वो इस्तेमाल करें ताकि वो किसी और मुकाम पर पहुंचने में भी सफल हों। खेल के माध्यम से जो नशे के प्रवृत्ति के लोग हैं उनको भी एक तरफ करने का माध्यम चुना गया है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ये खेल जैसा कि विवेकानंद जी ने भी कहा था कि गीता ज्ञान से बेहतर है कि फुटबॉल खेल कर जो है अपने उस ज्ञान को स्वस्थ शरीर को लिया जाए, उसके बाद स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण किया जाए, तो वो इस रूप में चरितार्थ हो रहा है। जैसा कि दिल्ली पुलिस ने भी युवा स्कीम के जरिए इस ऊर्जा को चैनलाइज करने का काम किया है, तो यही उम्मीद रहेगी। देखिए, क्रिकेटर इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटी नहीं है, क्रिकेटर इम्पोर्टेंट लोगों का खेल से जोड़ना है, इसलिए आप देखते होंगे हम जो भी आते हैं बस थोड़ी देर के लिए ग्राउंड में जाते हैं, मैच चलते रहता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि जो भी सुन रहा है वो यहाँ पे आता है और अपना थोड़ा समय देता है और कुछ ना कुछ देख के जाता है। अब जैसे आज संजय सेन ने यहाँ पार्क में जो नशा का सेवन करने वाले लोग हैं उसका स्पेशल अभियान ले लिया, राहुल बुचर वो यहाँ के आसपास के लोगों को, बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट हैं तो वो एनएसडी के लोगों को ला करके यहाँ के बच्चों को ट्रेन करेंगे। बालेंद्र ने, जो बालेंद्र जी हमारे नेक्स्ट आईएएस और मेडीजी के ओनर है, इन्होंने कि यहाँ से कुछ बच्चे ऐसे जो पढ़ाई लिखाई में तेज हैं मगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनको ये भी कह दिया कि हम ऐसे कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि एक पंथ कई काज है, स्पोर्ट्स से जोड़ना है, नशे से छुड़ाना है। हमारी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से इस क्षेत्र के युवाओं को आगे बढ़ाना है। मेरा तो सोचना है कि जब खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और खेल के माध्यम से
जो लोगों के मानसिक विचार हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, स्वच्छ होते हैं। एक खेल भावना के थ्रू टीम स्पिरिट आती है, जिससे एक कोऑर्डिनेशन बनता है। क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर देखने आते हैं वो प्रोत्साहित होते हैं। यहाँ की क्षेत्र की जो महिलाएं, बच्चे, पुरुष, सभी लोग में एक जुटता आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि जो माननीय सांसद जी ने खेल महोत्सव का जो ये प्रावधान किया है, इससे बहुत बड़ी जागरूकता आ रही है। लोग यहाँ आते हैं, अपने सीनियर से मिलते हैं और ऐसे बहुत सी हस्तियाँ आती हैं जिनसे बहुत सारी चीज़ें सीख करके जाते हैं। तो ये खेल तो मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। मुझे तो ये लग रहा है कि ऐसी चीज़ मैंने कभी देखी नहीं है, और किसी भी सांसद के क्षेत्र में ऐसा होना, ऐसा आयोजन होना, इतनी जनता का उनको सपोर्ट करना, सहयोग करना, अपने आप में एक बहुत बड़ी बड़ी और एक भव्य चीज़ है। और जो मनोज भाई कर रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और स्पेशली खेल को प्रमोट कर रहे हैं और जिस जिस को लोगों को मंच पर बुला रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग लोगों के अलग अलग फील्ड्स के लोगों को मंच पर बुला रहे हैं और वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ दे करके जा रहे हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, चाहे वो गौतम गंभीर हो, चाहे वो DDA के हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कलाकार हो, अदाकार हो, जो भी हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं मनोज भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हाँ, मैंने थिएटर के लिए अनाउंस किया है कि हम लोग यहाँ से एक बहुत भव्य नाटक का मंचन करेंगे और यहीं के बच्चों से, यहीं के जो लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, मिडिल एज लोग हैं, बच्चे हैं, उन सबको जोड़ करके हम एक नशे के जो एक नशे की जो एक आदत है उसके विरुद्ध, उसके विपरीत, उसको वो आदत ना पड़े, उसको उस सब्जेक्ट को लेकर के हम एक नाटक यहाँ पे बनाएंगे। और मेरे को लगता है कि वो जनहित पे होगा और सब लोग, कम से कम नहीं तो 10 से 15 हज़ार लोग आपके क्षेत्र के अगर यहाँ पे आएंगे देखने, तो ये हमारी जो एक छोटी सी कोशिश है उसको 4 चांद लग जाएंगे। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, सुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ECG, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, TB का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9211 32 9205 9211 478312 9910 41 83 12। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 850-697-3234।